हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, आजकल हमारे यहाँ पे दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है और बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही है, फिर भी मैं आज मेरी शेवंती की जो कटिंग्स हैं वो लगा के काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए इसमें मेरी जो सिंपल मेरे गार्डन की निकली हुई सॉइल है वो गार्डन सॉइल मैंने ली है, और उसमें एक मेजर पार्ट मैंने इसका सैंड का भी डाला है। एक पार्ट जो सैंड हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं वही वाली सैंड, क्योंकि इसकी जितनी इसमें सैंड रहेगी तो हमारी जो रूट्स हैं वो जल्दी इसमें डेवलप होंगी, तो मैंने वो डाला है। और लीफ कंपोस्ट डाली है मेरी। अगर आप लोगों के पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास थी इसलिए मैंने लीफ कंपोस्ट डाली है। लीफ कंपोस्ट जो होती है वो नाइट्रोजन रिच होती है, तो उससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल थोड़ा सा मिलाया है, हमको अभी इसमें ज़्यादा कंपोस्ट नहीं डालनी है। वैसे आप चाहें तो सिर्फ एक पार्ट सैंड और एक पार्ट गार्डन सॉइल का, ये सॉइल का मिला के उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मेरी जो ये शेवंती की कटिंग्स हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुकी हैं, पर मैं ये आज सारी की सारी रिपोर्ट नहीं करूँगी। जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में लगाई थी वो मैं कुछ एक ही, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ही ग्लास अवेलेबल है, तो मैं अभी सिर्फ इतनी ही कटिंग्स लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेरी कटिंग्स चल गई हैं और सब में न्यू न्यू शूट्स जो हैं, ये देखिए इस तरीके न्यू शूट्स भी आना स्टार्ट हो गए। और तो और मैंने इनकी पिंचिंग भी कर दी थी, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे से इसी में ही बढ़ने लग गए थे, तो मैंने कुछ कुछ इसकी तो पिंचिंग भी कर दी थी, जबकि अभी इनके पिंचिंग का टाइम नहीं है। तो मैंने जो ये पॉटिंग मिक्स बनाया था आपके साथ, अभी इसको मैंने ये ग्लासेस में फिल कर दिया है। अब मैं आपको इसकी रूट्स निकाल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये एक निकालने लगी हूँ, तो मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। आप बहुत ही आसानी से पहले इसको इस तरीके से डिग करके निकालिएगा। ये मैंने निकाल ली थी एक, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी रूट्स जो हैं वो इतने अंदर तक चली गई थी। ये देखिए आप किस तरीके से इसका रूट जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी जो रूट्स हैं वो निकल कर आई हैं। तो बस अब मैं इनको ग्लासेस में ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो इसी तरीके से मैं ये सारी निकाल लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये जो सैपलिंग है इसको इस ग्लास में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। वैसे तो मैं चाहती तो मैं इस साइज़ के पॉट में भी इनको अभी इस टाइम पे ट्रांसफ़र कर सकती थी। इस टाइप के, इस साइज़ के मेरे सारे ही पॉट्स में अभी रेन लिलीज लगी हुई हैं, पर हम जब अगर हम सैपलिंग को छोटे से पॉट में अभी रिपॉट करेंगे तो उसकी जो रूट्स हैं, देखिए ये पॉट जो होता है उसकी रूट्स डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना हम छोटा पॉट लेंगे वो तो हमारी जो रूट्स हैं वो जल्दी से जल्दी बढ़कर फॉर्म डेवलप होकर हमारा जो रूट बॉल है वो बहुत ही हेल्दी लगेगा, बन के तैयार होगा। अगर हम बड़ा पॉट लेते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो अपनी रूट्स बनाने में, इतने बड़े पॉट के हिसाब से रूट बनाने में उसकी जो एनर्जी है वो पूरी रूट्स बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है वो। तो जितना छोटा पॉट रहेगा उतनी ही जल्दी हमारी रूट्स भी रूट बॉल बन के तैयार होगा, और हमारे प्लांट को कम से कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी अपने रूट्स बनाने के लिए, और हेल्दी रूट्स बन के हमारे तैयार होंगे। तो इसके बाद जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तभी हम इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए मैं आपको इसमें से अपनी एक और ये है ये निकाल के दिखाती हूँ कटिंग, कि किस तरीके से इसमें रूट्स जो हैं वो डेवलप हुए। आप पहले इसके चारों तरफ से थोड़ी सी ऐसे करके आप सॉइल सैंड जो है वो लूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी रूट्स को हार्म ना हो, और फिर इसको धीरे से निकालिएगा, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। ये देखिए आप इसका रूट बॉल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा डेवलप हुआ है इसका रूट बॉल। तो इसको भी मैं इसी तरीके से ऐसे ग्लास में ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ, और फिर मैं सारे ही ट्रांसप्लांट करके फिर आपसे मिलती हूँ। कि सिंपली ये मेरा रूट बॉल है, इसको बिना डिस्टर्ब करते हुए मैं इसमें से पहले थोड़ी सी अपनी मिट्टी कम कर लेती हूँ। आप इसको पहले थोड़ा सा ही भरिएगा, इसके बाद आप इसमें सिंपली ये रूट बॉल जो है ये प्लांट की इस तरीके से रख दीजिएगा, और इसके ऊपर फिर आप फिर से इसमें थोड़ा सा आप इसमें ये जो फंजीसाइड का पाउडर है ये आप इसकी रूट्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि रूट्स में कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई भी फंगस ना लगे। इस तरीके से हल्का सा आपने इसमें फंजीसाइड का जो पाउडर है वो आप मिला दीजिएगा, और बाकी बस इसको आप इस तरीके से भर दीजिएगा। बस ज़्यादा आपको इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा टैप कर दीजिएगा, बाद में हम इस पर फंजीसाइड का जो पानी है वो स्प्रे कर देंगे। इसी तरीके से हमको सारे ही हमारे शेवंती जो है वो ट्रांसप्लांट कर लेनी है। वाली जो कटिंग्स थी ये मैंने इनके कुछ दिन थोड़े दिनों के बाद लगाई थी, ये जो आप देख सकते हैं, तो देखती हूँ कि ये इनमें अभी रूटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं, तो हम इसको धीरे से इसको भी निकाल के देख लेंगे। ये देखिए इसमें भी कितनी प्यारी रूटिंग हुई, ओ माय गॉड,
बहुत ही अच्छी रूटिंग इसमें भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए एक और मैंने निकाला है, इसकी रूटिंग देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। इन प्लांट्स की रूटिंग देख के आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रूटिंग हुई है इनकी। और ये देखिए मैंने साथ साथ इसको पिंच भी करते चली गई थी। मैं बार बार आपसे बोलूंगी कि ये वैसे पिंचिंग का टाइम नहीं रहता है, पहले इनकी रूट्स डेवलप करने में हमको ध्यान देना चाहिए, पर मैं करती चली गई और आप देख सकते हैं अभी लगाने से पहले ही मेरे इसमें कितनी सारी ब्रांचेस बन गई हैं। ये देखिए मैं एक और आहिस्ता से ये देखिए कितनी प्यारी रूट्स इसमें डेवलप है। कि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैंने ये एक पूरा पॉट अपना खाली कर लिया है और ये इसमें से खाली करके कुछ थोड़ी ज़्यादा इनकी जड़ें कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई थी, तो मैंने फिर से इन्हीं पॉट्स में इनको सेपरेट अलग अलग लगा दिया, क्योंकि इनकी जड़ों ने बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली थी तो इनको ये छोटे कंटेनर में इनका काम नहीं होता, तो इनको मैंने बड़े इसमें लगा दिया है। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे ये इतनी बची हुई हैं, और ऐसे ही एक ट्रे और है, एक बास्केट और है वो उधर रखी हुई है, इतनी मेरी कटिंग्स अभी रखी हुई हैं। तो मैं इनको इसलिए अभी डेवलप इसलिए अभी नहीं, मैं इनको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने 15 दिन बाद 10-1 दिन के गैप पे लगाई थी, तो ये मैं अभी इनको 10-1 दिन रुक के रिपोर्ट करूँगी। इनकी अभी जड़ें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होंगी। और देख सकते हैं आप मैंने इसमें ऐसे फंगीसाइड स्प्रे का पाउडर का मैंने ऐसा थोड़ा सा मैंने इस पर फंगीसाइड पाउडर डाल दिया है, जिससे कि अभी ये इनकी रूट्स को कभी कोई दिक्कत ना हो। बारिशें भी अभी हैं और धूप दिन में बहुत तेज़ रहती हैं, अभी हमारी ये कटिंग्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव रहती हैं, तो मैंने इस पर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल दिया है। ये मैं 10 दिन के बाद रिपोर्ट करूंगी। और ये देखिए मेरी इतनी सारी कटिंग्स अभी बन के रेडी हो गई हैं, अब मैं इन सबको एक इसमें रख के स्प्रे करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं सभी पे बहुत अच्छी तरीके से ये स्प्रे कर दूंगी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं सभी पे बहुत अच्छे तरीके से ये स्प्रे कर दूंगी, सारे ही प्लांट्स पे। और सैंडी बैठ के देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक बड़े बास्केट में, जिसके अंदर मेरी पहले से पूरी मिट्टी है, मिट्टी इसके अंदर भरी हुई थी मेरी, तो उसी उसी मैंने बास्केट के अंदर इसको रख दिए हैं, ताकि इनको नीचे से मॉइस्चर भी मिलता रहे, और क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप भी हो जाती है आजकल, तो उनको एक नमी सी बनी रहे उनकी। और ऐसे सारे पास पास चिपका के मैंने ये सारे ही ग्लासेस रख दिए हैं। अब इनके आगे का मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अब मैं इनको कम से कम 20 से 25 दिन के आधी महीने ट्रांसप्लांट करूंगी, तब तक कि इनके जो ये ग्लास हैं इसके अंदर इनके रूट बॉल्स जो हैं पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, और ये बाकी की बची हुई मैं बाद में लगाऊंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सैंडी सैंडी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा।